भजन बोलो। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में वो जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। सुनो, काफी बहनों को एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो एलर्जी एक तो सांस वाली होती है, एक स्किन वाली होती है। तो सांस वाली एलर्जी के लिए तो प्राणायाम करो, उससे रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा और इससे सांस, दमा, कफ, एलर्जी, सर्दी, जुकाम बार बार होता है, ये नहीं खत्म हो जाएगा। प्राणायाम करो, इसका सीधा असर होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। दूसरा, मैंने बोला था गिलोय गनवटी खा लो, कैसी भी एलर्जी की प्रॉब्लम है, बार बार सर्दी जुकाम बुखार परेशान रहते हैं, खत्म हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात, अभी कई बहनों को सफेद दाग होने शुरू हो गए, और किसी को भी हो सकते हैं। दूध के साथ एक तो नमक नहीं खाना, क्या नहीं लेना, दूध के साथ नमक। दूसरी बात, गोमूत्र और नीम के पत्तों का रस, ये दोनों मिला करके, और अपना एक लेप आता है शीत्र घन लेप, चिकित्सालय है ना अपने, वहां से जाके सफेद दाग का लेप ले लेना, नीम के पत्ते का रस, गोमूत्र, उसको मिला के ऐसे लगा लिया, और उससे वो सफेद दाग, धूप में बैठ के प्राणायाम कर लिया, 3 से 9 महीने लगते सफेद दाग खत्म हो जाता है। कायकल्प वटी, शुद्ध बावकुची चूर्ण, अमृता सत, खाने की दवाई भी दे देंगे, सफेद दाग ठीक हो जाएगा। अगली बात, आजकल पथरी बहुत हो रही है माताओं बहनों को भी, एक तो किडनी में पथरी, एक गाल ब्लैडर में पथरी। तो जो किडनी की पथरी है उसके लिए पानी पीना और अश्वरीहर रस, अश्वरीहर क्वाथ, अश्वरी पथरी को बोलते हैं, तो अश्वरीहर रस, अश्वरीहर क्वाथ, अश्वरीहर रस एक एक ग्राम, दो दो ग्राम सुबह शाम ले लेना, पाउडर है ये, और अश्वरीहर काढ़ा है वो दो दो चम्मच सुबह शाम पका के पी लेना। कैसी भी पथरी हो वो अपने आप टूट करके धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़े होकर के निकल जाएगी। कपालभाति प्राणायाम करना, पानी ज्यादा पीना, सुबह सुबह 1 लीटर पानी पी लेना थोड़ा थोड़ा करके। गाल ब्लैडर के लिए भी यही दवाई है, इसमें पत्थर चट्टा एक औषधि है, पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा के जो है पत्ते ले लेना, 3-3 सुबह शाम, ठंडे होते हैं थोड़े, तो पत्थर चटा के पत्ते से भी पथरी खत्म हो जाती है। और किसी को भूख बहुत ज्यादा लगती है और सुबह सुबह तक खा खा के फिर खड़े हो जाते हैं, तो भूख लगने का एक कारण होता है लेप्टिन लेवल बढ़ जाना। कपालभाति अनुलोम विलोम 20-20 मिनट करना शुरू कर दो, लेप्टिन लेवल कंट्रोल आ जाता है और भूख अपने आप कंट्रोल में आ जाती है। यही हमारा साइंटिफिकली रिसर्च किया हुआ, पेपर भी पब्लिश किया हमने इंटरनेशनल जर्नल्स में। धरण डिगने के लिए रोज मैं आसन बताता हूं, पवन मुक्त आसन, उत्तान पाद आसन, नौकासन, ये 3 आसन भी ठीक से कर ले, एक एक मिनट। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पैरों को उठा के रखते हैं, नौकासन जो रोज कराता हूं मैं, आज भी बता रहा था। तो ये आसन करने से धरण डिगना ठीक हो जाता है। और जिनको डिप्रेशन है वो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, भ्रामरी प्राणायाम करें,
और ये कान और ऐसे बंद करा के कराते हैं ना, इसको ज्यादा करें, 10-10 मिनट करें। डिप्रेशन पूरे हार्मोन, पूरे हार्मोन चीज हो जाते हैं, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, ACTH, ये तीन हार्मोन्स हैं जो डिप्रेशन को बढ़ा देते हैं। प्राणायाम करने से ये प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, ACTH डाउन आते हैं, बीटा इंडोरफिन बढ़ जाता है और डिप्रेशन दूर हो जाता है। मेधावती एक एक गोली खा लेना और सोते समय श्वासन करना, श्वास पर ध्यान देना, बॉडी को रिलैक्स करना और दिमाग में एक बात बैठा लेना, जो तुम्हारा है वो कोई छीन और जो तुम्हारा है वो तुम्हें कोई दे, और यदि दे भी दिया तो तुम्हारे पास टिक। तो भगवान की जो न्याय व्यवस्था है, जस्टिस ऑफ गॉड, भगवान की न्याय व्यवस्था, दिस इज द अल्टीमेट। एंड कभी भी आपका गलत भी हो गया तो भगवान कंपनसेशन देते हैं, इसलिए कभी परेशान नहीं होना। डिप्रेशन, सिज़ोफ्रेनिया तक मैंने माँ बहन बेटियों का और भाइयों का अच्छा किया है, अच्छा हो जाता है। फिर किसी किसी को खाने पीने की चीजों से जो एलर्जी होती है ना, किसी को गेहूं से, किसी को चना से, तो उसके लिए गिलोय घनवटी दो दो गोली खाओ, गिलोय घनवटी, और प्राणायाम ज्यादा करो। ये बहन बोलते हैं किडनी तो डोनेट कर दी एक मिट्टी और पथरी हो गई, तो जो अभी पथरी की दवाई बताई ना, अश्वरिया रस और क्वाथ, वो ले लेना, ठीक हो जाएगी। हाँ, आराम से ले सकती है। किसी किसी की एक मिनट किडनी ना श्रिंक हो जाती है, किडनी, गुर्दे, तो एक कपा मैंने देखा, एक हमारी बहन थी मुंबई की बात है, तो 7 सेंटीमीटर थे, बीसी थे कहीं के, उनका भी मैंने कई केस मुझे याद है। कपाल भाती करने से किडनी का साइज नॉर्मल होता है, इससे किडनी की सीधी एक्सरसाइज होती है। इससे घर में सास बहू का झगड़ा बहुत होता है, ये भी तो बीमारी है। सब मेरे साथ बोलेंगे, ईशावास्यमिदं सर्वम्, वासुदेवाः सर्वम्, ओम सर्वम् खलु इदं ब्रह्मा, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। देखो सब में भगवान है कि नहीं, मेरे अंदर भगवान है कि नहीं, और तुम्हारे अंदर भी भगवान है कि नहीं? तो मेरे अंदर तुम्हें भगवान दिखता है? देखो ऊपर से तो ये ब्रह्मांड ही दिखेगा, 5 एलिमेंट्स दिखेंगे, बाल दिखेंगे, चेहरा दिखेगा, हड्डियां दिखेंगी, चमड़ी दिखेगी। ऊपर से देखेंगे तो ये पंच भौतिक संसार दिखता है, लेकिन इसके पीछे कौन है? भगवान। तो आपकी सासू माँ में भी भगवान है कि नहीं, और बहुरानी में भी भगवान है कि नहीं, देरानी जेठरानी में भी भगवान है कि नहीं, और बाबा जी में भी भगवान है कि नहीं? और मैं आपको जो ये सेवा कर रहा हूँ ना, इसलिए कर रहा हूँ कि मैं धरती पर भगवान का सबसे मूर्त रूप माँ को मानता हूँ, इसलिए मैं माताओं बहनों को इतना गौरव देता हूँ, इतनी इज्जत देता हूँ। मैं सन्यासी होने के बावजूद भी जब भी माँ आती है तो उसके चरणों में माथा टिका के प्रणाम करता हूँ, और आप में भी जितनी बड़ी उम्र की माँ बहन बेटियां उनको अपनी माँ जैसी ही मानता हूँ, जो बराबर की है उनको बहन और छोटियों को बेटी मानता हूँ। ऐसे ही आप भी अपने घर में देखो, किसी में वाणी व्यवहार का कोई दोष हो तो दोष तो संसार का है, आत्मा और परमात्मा का कोई दोष तो किसी में वाणी में व्यवहार में भूल चूक हो जाए उसको मन में मत रखा करो। और सबसे प्रेम कैसा करना? जैसा कि भगवान के रूप है, तो सासू माँ किसका रूप है? पति भी भगवान का रूप है, पत्नी भी भगवती का रूप है। ऐसे ही परस्परता में भगवत्ता, एक दूसरे में ना ऐसा दिव्य भाव रखो
हम लोग ना छोटी छोटी बातों के लिए कहां सुनी, इसने यूं क्यों कह दिया, उसने यूं क्यों कर दिया, पैसा ढेला उसके, ये इसका ऐसा क्यों हो गया, उसका वैसा क्यों हो गया। इन बातों में आके अपना दिमाग मत खराब करो। देखो दुनिया में गरीब अमीर सब दुखी देखे मैंने, क्यों समझ नहीं है। और देखो हम क्यों सुखी है, हमें समझ आ गई बात कि भाई देखो तन ढकने के लिए दो कपड़े चाहिए, सोने के लिए दो गज जमीन चाहिए, और खाने के लिए दो वक्त की रोटी मिल जाए, वो तो चींटी से और हाथी तक सबको मिलता है, तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा। तो मैं मस्त रहता हूँ और सबसे प्यार करता हूँ और सब मुझसे प्यार करते हैं, और मेरे से ज्यादा सुखी कोई नहीं। मैं चाहता हूँ सब मेरे जैसे ही सुखी हो जाओ। तो सुखी होने का आधार एक तो है परमात्मा, सुख का आधार क्या है एक तो, और एक है समझदारी, क्या है, और तीसरी बात है जिम्मेदारी। अपनी जिम्मेदारी निभाओ, पत्नी की जिम्मेदारी, माँ की जिम्मेदारी, बेटी की जिम्मेदारी, मैं सन्यासी हूं तो सन्यासी की जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य निभाओ, खुश रहो और सुबह उठ करके एक बार हंस लिया करो। कैसे? लेकिन सुनो, जब सासू डांटे ना तब हा हा मत करना, ये तो सोचे कि अच्छा ये दांत दिखा रहे मुझे, ऐसा हर समय दांत मत फाड़ना। सुनो, ये हमारी जीजी है सुमन जीजी, किधर गई, और लक्ष्मी इधर आओ, ये हमारी वो बहने हैं, आ जाओ आ जाओ। ये अपना महिला संगठन है, इसका नाम है पतंजलि महिला, महिला पतंजलि योग समिति, क्या है बोलो, महिला पतंजलि योग समिति, अपनी समिति इसके साथ जुड़ के बहने, बैठो बैठ जाओ दीदी, दो मिनट बैठो ना, बैठो बैठो। तो महिला पतंजलि से जुड़ना, महिला पतंजलि योग समिति से जुड़ना, योग करना, सबको कराना, तो ये बहन तो सारे देश में जिम्मेदारी देखती है, डॉक्टर सुमन बहन। ये लक्ष्मी है अपने यही की, फिर और सरिता और सारी बहनें बहुत सेवा करती हैं, सबको योग सिखाती हैं, सबको सुख देती हैं। तो आप सब बहनें भी संगठन से जुड़ना और इस योग की सेवा में थोड़ा सहयोग करना। मैं सुबह बता दूंगा, अभी अभी रुको तो, ये हाथ लगा दे, एक बार जोरदार ताली बजा दो इनके लिए। साहब ने एक स्मृति चिन्ह बना के लाई है बहुत जोर का। आज आपके स्कूल में आने का कोई हमारा ना वादा था ना इरादा था, लेकिन ये भगवान की मर्जी थी कि जगदीश की कृपा से हम यहाँ पर आए। सारा जगत ही जगदीश से चलता है, लेकिन आज हम तो जगदीश से ही चल के यहाँ पर। सुबह उठते ही अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं, मैं मोटी हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं काला हूँ, मेरे बाल अच्छे नहीं है, मेरी आंखें अच्छी नहीं है, मेरी नाक मोटी है। अपने बारे में उल्टा उल्टा सोचते रहते हैं। सुबह उठ करके सोचा करो, मैं इस धरती का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ, ऐसा सोचा करो। भगवान ने मुझे गरीब घर में पैदा किया या अमीर घर में पैदा किया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित किसी भी परिवार में पैदा कर दिया, भगवान ने मुझे इस धरती पर इंसान बना करके पैदा कर दिया, ये मेरी सबसे बड़ी सेवा। भगवान ने हमें इंसान बना दिया, बाकी को खुद बन सकते हैं ना। मैं एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ, फार्मर फैमिली, और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूं कि इतनी सी बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग में तो हम लोग घुस ही नहीं सकते, आपकी तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है। मैंने एक अनपढ़ परिवार को किसान परिवार में पढ़ा था, फिर
आपकी प्रांत मैक्सिमम लोग घटने के बाद में कोई सोचते हुए लग रहा था, तो इससे ज्यादा कोई सोच नहीं था। हम लोग आज मैंने हिंदुस्तान को कई 20 लाख करोड़ की यात्रा की, पूरी दुनिया से बोला, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के भारत से लेकर के सिंगापुर, चीन से लेकर के और उनका यूके जैसे सारे पूरे यूरोप यूरोप की कंट्रीज हो, अफ्रीका हो, सबसे हो। और आज हमने योग को, आयुर्वेद को, टीके विभिन्न आयाम को खूब ऊंचाई दी। अब पूरे वर्ष से मेरे पास पत्रकार आते करूंगा। हमें बच्चे को करते पानी में पहुंचने की सोचना है,
में पॉलिटिक्स शुरू करो। मैं इस धरती का सौभाग्य साइन सबसे तो भागी है, भगवान ने मुझे पूछा कि सारी दौलत देकर इंसान बना के मिले और उसके बाद अपना नाम निकलना है और उससे कामयाब भी करना है। क्योंकि आज आपसे खड़े खड़े हम हाथ उठा रहे थे, कुछ बच्चे उठे